नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको होम्योपैथी की दो मेडिसिन बताऊंगा जिससे कि आपकी जो कंडीशन बार बार होती रहती है, जिसको हम बोलते हैं कि झंगासे लग जाते हैं, तो उसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन आप यूज़ करेंगे जिससे कि आपकी कंडीशन परमानेंटली ठीक हो जाए। तो झंगासे लगना एक नॉर्मली देखा जाए तो स्किन की बीमारी है, स्किन डिजीज है, त्वचा की बीमारी है, चर्म रोग है, जो कि मेल को ज़्यादा होता है और फीमेल को कम होता है, होता दोनों में है। तो झंगासे इसलिए बोलते हैं जो हमारी जो थाइज होती हैं उसके इनर साइड दोनों साइडों में या फिर एक साइड में इरप्शंस होने शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली आने शुरू हो जाती है। एरिया धीरे धीरे करके वो बढ़ना शुरू हो जाता है, इतने से स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे करके नीचे जांघ की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो जो जोड़ वाला एरिया होता है ये यहाँ पे भी होती है और नीचे करके वो बढ़नी शुरू हो जाती है। जनरली देखा जाए तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है कि जी झंगासे लगते हैं डॉक्टर साहब हमें बार बार। एक तरह से देखा जाए तो पेशेंटों के बार बार होता रहता है और ये फंगल इन्फेक्शन होता है। कई तरह के और भी इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे पस्चुलर बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे वहाँ पस वाले दाने बनने शुरू हो जाते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सब हो सकता है। मोस्टली केसेस में हम देखते हैं तो फंगल इन्फेक्शन होता है। मेडिसिन खाई जाती है, एंटी फंगल मेडिसिन खाई जाती है और ट्यूब ली जाती है, एंटी फंगल ट्यूब होती है। कई तरह के पेशेंट जो है ट्यूब यूज़ कर लेते हैं लेकिन उनको आराम नहीं मिलता है, आराम मिलता है तो टेम्परेरी मिलता है। परेशानी जो बढ़ती है वो गर्मियों वाले सीजन में बढ़ती है, जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है पेशेंट की प्रॉब्लम सारी बढ़ जाती हैं कि उनको पसीना आने की वजह से, टाइट कपड़े पहनने की वजह से या कोई गर्म चीज़ खाने की वजह से उनकी सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं और रात में खुजा खुजा के उनको नींद आनी बंद हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी की आपकी दो मेडिसिन लानी है। पहली मेडिसिन आपको यूज़ करनी है रस्टॉक्स 30 पोटेंसियम आपको यूज़ करनी है। किसी भी कंपनी की आप इसको ले आइए, लेने का तरीका आप जानिए। इसकी आपने 5 बूंदें सुबह में, 5 बूंदें शाम में आपको यूज़ करनी है। 2-3 चम्मच ताजे पानी में आपको यूज़ करनी है। सुबह में आप इसको खाली पेट लीजिए, शाम को भी आप इसको खाली पेट लीजिए। मीन्स के खाने खाने से जो खाना आप खाएंगे उससे आधा घंटा पहले आप इसको ले लीजिए। खाना आप खा चुके हैं तो खाने के आधे घंटे बाद आप इसको ले लीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए खाने से पहले ले लीजिए। तो ये पहली मेडिसिन है दोस्तों रस्टॉक्स, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मिल जाएगी। ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकंड जो दोस्तों आपको मेडिसिन यूज़ करनी है, इसमें आपको लाना है इचिनेशिया मदर टिंचर, इचिनेशिया क्यू। इसको आप लाइए, होम्योपैथी की शॉप पे आपको मिलेगा और आप इसको 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आपको यूज़ करनी है और ये आपको आधे कप ताजे पानी में इस्तेमाल करनी है। आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम इसकी 10 से 15 बूंदे आपको यूज़ करनी है और सुबह दोपहर शाम आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। खाने से पहले आपने रस्टॉक्स, सेकंड मेडिसिन आपने इचिनेशिया यूज़ करनी है जो कि खाना खाने के बाद यूज़ करनी है। तो अगर आपको बार बार झंगासे लगते हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कीजिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, कोई भी समस्या नहीं होगी। और आप थोड़ा इसमें परहेज का ध्यान रखें, आपको कढ़ी नहीं खानी है, गर्म चीज़ें नहीं खानी है, आलू नहीं खाने हैं, चाय ज़्यादा नहीं पीनी है, समोसे नहीं खाने हैं, चाउमीन नहीं खानी है। आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं कि आप परहेज भी करें और मेडिसिन लें तो आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है कि क्रीम की, डॉक्टर साहब हमें कोई क्रीम भी बता दीजिए जिससे कि हमारी कंडीशन थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए। एलोपैथिक क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, एलोपैथी में वो काफ़ी महंगी महंगी क्रीम यूज़ कर चुके हैं। तो आप होम्योपैथी की क्रीम यूज़ करना चाहते हैं, आप एसिड क्राइसो ले आइए, इसकी क्रीम मिलती है, इसकी पिक मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर लगाने की और ये भी आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। और इन मेडिसिन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। कंटिन्यू में यूज़ कीजिए, कढ़ी बिल्कुल नहीं खाइए और थोड़ा कोशिश कीजिए गर्मियों में आप ढीले कपड़े पहनने की, जीन्स वगैरह ना पहने और कोशिश कीजिए कम से कम खुजाने की। जितना ज़्यादा आप खुजाएंगे उतना ज़्यादा उसका एरिया बढ़ता जाएगा, जो लाइन होती है चारों तरफ वो आप देखेंगे धीरे से स्टार्ट होती है छोटी से, बाद में वो उसका एरिया बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम खुजाने की क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी होती है। तो आप फैलने वाली बीमारी है तो आपको अपना साबुन भी अलग करना होगा, आपको अपनी टॉल भी अलग करनी होगी और आपको अपना कपड़े वगैरह सारी चीज़ें आप अलग रखिए, ठीक है, जिससे कि आपकी कंडीशन कम्प्लीटली ठीक हो सके। तो बार बार झंगासे लगने की समस्या आपकी इससे ठीक हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।